गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, और आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी। ठीक है, पावर पॉइंट स्टडी में हम पढ़ेंगे लूसेंट। ठीक है, लूसेंट के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, लूसेंट की लास्ट क्लास में क्या हो रहा था, जनपद और राजधानी उनके क्षेत्र रह गए थे। ठीक है, जिसमें दो तीन राजधानी और दो तीन जनपद रह गए थे। ठीक है, जिसमें एक साइड डालो जनपद, शाम की क्लास है, और इसमें दो तीन पॉइंट रह गए थे पहली वाली क्लास के, तो उसमें कवर करवा देता हूँ मैं। राजधानी, ठीक है, और ये क्षेत्र। ठीक है, इसमें क्या हो गया था, लूसेंट की जो लास्ट वाली क्लास थी, तो उसमें दो तीन टॉपिक रह गए थे, मतलब दो तीन टॉपिक नहीं, दो तीन राजधानी और जनपद रह गए थे, जिसमें काम्बोज, काम्बोज। ठीक है, इसके बाद है अस्मक, ठीक है, अवंती और मत्स्य। ठीक है, ये लास्ट के रह गए थे। इनकी राजधानी है काम्बो की राजपुरा। ठीक है, अस्मक की राजधानी है पोतन। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, पोतन राजधानी है, और इसकी क्या राजधानी, अवंती की उज्जैनी। क्या इसकी उज्जैन, इसकी क्या है राजधानी, और इसके मत्स्य की क्या है विराट नगर इसकी क्या है राजधानी है। ये कौन सा, उत्तर प्रदेश, यूपी का क्षेत्र लगता था, यूपी के प्रांत का क्षेत्र लगता था। ये गोदावरी का क्या लगता था, क्षेत्र लगता था। उज्जैनी ये मालवा, और ये लगता था मालवा और एमपी का क्षेत्र। ठीक है, ब्राट लगता था जयपुर के आसपास का क्षेत्र, जयपुर के आस पास का क्षेत्र। ठीक है, फिर जयपुर के आसपास का क्षेत्र लगता था। ठीक है, अब यहाँ से उस दिन का टॉपिक ख़त्म हो गया है, इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो भी लिख लीजिए, कि मतलब इसमें कौन सा है, ये महाजनपदों का उदय, इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं। ठीक है, वो भी लिख दीजिए। ये आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी। ठीक है, इसमें आपको लूसेंट का क्या मिलेगा, हर लूसेंट का एक तरीके से, लूसेंट के बारे में हर चीज़ मिलेगी, जो 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 आज तक आपने कभी नहीं पढ़ी होगी लूसेंट के बारे में इसमें मिलेगा। इसमें क्या है, काम्बोज, जो काम्बोज राज्य था इसमें क्या था, घोड़े प्रसिद्ध थे। ठीक है, काम्बोज राज्य में क्या थे, घोड़े प्रसिद्ध थे, इसमें घोड़े बहुत प्रसिद्ध थे। ठीक है, काम्बोज जो जनपद था उसमें क्या थे, घोड़े प्रसिद्ध थे। और इसमें क्या है, चंपा, इसका क्या है, चंपा का प्राचीन नाम था मालिनी। ठीक है, चंपा का प्राचीन नाम क्या था, मालिनी, चंपा का प्राचीन नाम था। इसमें दो तीन जो पॉइंट थे वो भी लिखवा दिए। अब इसमें आज का टॉपिक पढ़ेंगे, पल्लोपन पढ़ेंगे भारत में। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, आज का टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि लूसेंट का आज का टॉपिक है। ठीक है, मेन टॉपिक है प्राचीन कालीन धर्म। ठीक है, प्राचीन कालीन धर्म कौन से, प्राचीन कालीन धर्म निम्न है। ठीक है, प्राचीन कालीन धर्म क्या है, निम्न है, जिसमें से कौन कौन से हैं, जैन, बौद्ध, क्या है, जैन, बौद्ध, वैष्णव। ठीक है, शैव, ईसाई। ठीक है, ईसाई, इस्लाम धर्म। ठीक है, ये क्या है, प्राचीन कालीन धर्म है, जो प्राचीन समय से
चले आ रहे हैं, ठीक है। कौन से? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, वैष्णव धर्म और शैव धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, ठीक है। ये क्या है? एक तरीके से ये धर्मों के बारे में है, ठीक है, जो प्राचीनकालीन धर्म है, ठीक है। प्राचीनकालीन धर्म में हम इनमें से कौन सा धर्म पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे जैन धर्म, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे हम, जो इम्पोर्टेंट, जैन धर्म, जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म के में क्या हुआ? जैन धर्म के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब थोड़ा बहुत ही पढ़ेंगे जो जिसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैन धर्म, इसमें कितने तीर्थ थे? इसमें 24 तीर्थ थे, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या थे? 24, इसमें 24 तीर्थ करते, ठीक है। क्या थे? 24 तीर्थ। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक, इसके फाउंडर थे ऋषभ देव। ऋषभ देव इसके क्या थे? फाउंडर थे। किसके? जैन धर्म के। कौन थे? ऋषभ देव इसके फाउंडर थे। इसके अंतिम अनुयायी कौन थे? अंतिम अनुयायी इसके, अंतिम तीर्थक कौन थे? महावीर। कौन थे? महावीर स्वामी इसके क्या थे? अंतिम स्वामी के अनुयायी, अनुयायी जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ क्या थे? इसके फाउंडर थे, ठीक है। निर्ग्रंथ क्या थे? इसके अंतिम, ए निर्गत इसके क्या थे? अंतिम तीर्थक थे, ठीक है। किसके? अंतिम तीर्थक महावीर स्वामी के अनुयायी निर्गत, जो कि इसके अंतिम तीर्थक के रूप में जाने, मतलब एक तरीके से महावीर स्वामी इसके अंतिम अनुयायी थे। और इनके जो शिष्य थे, मतलब महावीर स्वामी के जो शिष्य थे, एक तरीके निर्ग्रंथ, ये एक तरीके से इनको लास्ट माना जाता है, क्योंकि इनके बाद फिर मतलब किसी ने इस चीज़ की वो नहीं की, ठीक है। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम इसमें क्या पढ़ेंगे? अंतिम तीर्थ महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। किसमें? जैन धर्म में, ठीक है। जैन धर्म में महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 1540 में, 40 ईसा पूर्व, 1540 ईसा पूर्व में वैशाली, वैशाली के कुंड ग्राम में, वैशाली के कुंड ग्राम में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। किनका? महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ठीक है, जो क्या थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थ के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। इनकी इनकी माता का क्या नाम था? इनके सॉरी, पहले पिता, इनकी माता, ठीक है। इनकी इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके पिताजी का नाम था। और इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था त्रिशिला, ठीक है। इनकी माता का क्या नाम था? त्रिशिला इनकी माता का नाम था, ठीक है। और इनकी मौसी का नाम क्या था? इनकी मौसी का नाम क्या था? इनकी मौसी यशोदा इनकी, इनकी माता का नाम, सॉरी, इसकी मौसी, इनकी मौसी का नाम नहीं, इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, ठीक है। क्या था इनकी? ये इनकी पत्नी का नाम था। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। इनकी पुत्री और पुत्र का नाम क्या, इनकी पुत्री का नाम क्या था? इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का नाम था, उनके दामाद का, पुत्री के पति, दामाद। इनके दामाद का क्या नाम था? इनके दामाद का नाम था जमाली। क्या था? इनके दामाद का नाम था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इनके दामाद का क्या नाम था? जमाली इनके दामाद का
नाम था, ठीक है। और इनके बारे में क्या क्या चीज़ें, इनके बारे में कुछ चीज़ें निम्न है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने महावीर स्वामी ने ज्ञान की प्राप्ति किस जगह की थी, ठीक है। इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जरब्रक ग्राम के निकट कौन से त्रिजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है, नदी के तट पर क्या हुआ था, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी के बारे में इतना ही है। इनका जन्म 1540 ईसा पूर्व में बैसारीपुर के कुंडग्राम में। इनके पिता का नाम था सिद्धा, माता का नाम था त्रिशला, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, पुत्री का नाम प्रदर्शनी, दामाद का नाम था जमाल, ठीक है। दामाद का क्या नाम था, ठीक है, जमाल, ये इनके दामाद का नाम था। इनकी ज्ञान की प्राप्ति जब्रग्राम के निकट त्रिजुला पालिका नदी के तट पर इन्हें किसकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किसको, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और इनके बारे में कुछ चीज़ें और भी हैं, ठीक है। इसमें अपन लोग एक एक पॉइंट रोज़ ख़त्म करेंगे, आध घंटे की क्लास में रोज़ एक एक पॉइंट ख़त्म करेंगे, ठीक है। इनके बड़े भाई, ठीक है, इनके बड़े भाई, इनके महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था, इनके बड़े भाई का नाम था नंदवर्धन, नंदवर्धन क्या था, इनके बड़े भाई का नाम था क्या था, नंद वर्धन, ठीक है। इनके बड़े भाई का नाम था किसके, महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था, नंद वर्धन था, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु, ठीक है, किसकी, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी पावीपुर में, पावापुरी में कब हुई थी, 468 ईसा पूर्व में, ठीक है। 468 ईसा पूर्व में महावीर की मृत्यु हुई थी। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को, ठीक है, ठीक है, इसमें क्या हुआ था, बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को एक नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। महावीर स्वामी को किसको, बौद्ध साहित्य में, बौद्ध साहित्य में, ठीक है, महावीर को किस नाम से बुलाया जाता है, ठीक है, बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को किस नाम से बुलाया जाता है, इनको बुलाया जाता है निघंट, ठीक है, इनको बुलाया जाता है निघंट नाथपुरी, निघंट नाथ पुल के नाम से क्या बुलाया जाता है, इनको महावीर स्वामी को बुलाया जाता है, किसे बुलाया जाता है, बौद्ध साहित्य में इनको निघंट साहित्य नाम से बुलाया जाता है, किसको, महावीर स्वामी को बुलाया जाता है, ठीक है। ठीक है, जैन भिक्षुओं को, ठीक है, जो जैन भिक्षु होते थे, ठीक है, जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा, मतलब एक तरीके से बिना वस्त्र रहने की शिक्षा किसने दी थी, महावीर स्वामी ने दी थी, ठीक है। महावीर स्वामी ने किसको, जो जैन धर्म के भिक्षु थे उन लोगों को क्या किया था कि इनने क्या किया था, एक नग्न प्रथा स्टार्ट की थी कि जिसमें जो बौद्ध भिक्षु रहेगा वो बिना वस्त्र के रहेगा, ठीक है, किसने, महावीर स्वामी ने की थी। इसमें पार्श्व, इसमें जैन धर्म में क्या एक तरीके से पार्श्वनाथ ने, किसने, पार्श्वनाथ ने क्या किया था, पार्श्वनाथ ने क्या किया था कि चार व्रत थे, ठीक है, चार व्रतों के बारे में बताया जाता, पार्श्वनाथ द्वारा चार व्रतों के बारे में बताया जाता, अहिंसा, अहिंसा मतलब एक तरीके से हिंसा ना करना, ठीक है, झूठ ना बोलना, झूठ ना बोलना, ठीक है, चोरी ना करना, चोरी ना करना, और संपत्ति ना रखना, ठीक है, ये चार बातों के बारे में किसने, पार्श्वनाथ ने बताया था इन चार बातों के बारे में, ठीक है,
कि चार व्रत थे इनके, अहिंसा 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 का मतलब हिंसा ना करना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, ठीक है, ये बताया गया था। जैन साहित्य को अंग कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, एक तरीके से जैन साहित्य को हम लोग क्या कहते हैं, जैन होता है, जैन साहित्य, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, जैन साहित्य को अंग के नाम से जाना जाता है, किसको, इसको अंग के नाम से, अंग के नाम से जैन साहित्य को जाना जाता है, ठीक है, किसको, जैन साहित्य को अंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ठीक है, जैन धर्म के मौलिक ग्रंथों को, ठीक है, जैन धर्म के मौलिक, इसके मौलिक ग्रंथ मतलब कि जो जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं, इनको चौरापुरी, चौदह पूर्व नाम से जाना जाता है, जैन धर्म को चौदह पूर्व नाम से जाने के मौलिक ग्रंथों किसके, चौदह पूर्व नामक नाम से जाना जाता है, ठीक है, किसको, जैन धर्म के मौलिक ग्रंथों को, ठीक है। जैन धर्म के 24 तीर्थ, जैन धर्म के जो 24 तीर्थ हैं उनके बारे में अपन लोग लिखते हैं, किसके, जैन धर्म के 24 तीर्थों के बारे में उनके नाम लिखते हैं कि जैन धर्म के 24 तीर्थ कौन कौन से हुए, ठीक है, फुल इन्फॉर्मेशन में लिखते हैं कि जैन धर्म के 24 तीर्थ कौन कौन से हुए। जैन धर्म के 24 तीर्थ, ठीक है, जैन धर्म के 24 तीर्थ कौन कौन से हैं, ठीक है। ठीक है, जो इसके संस्थापक होंगे वो इसके क्या होंगे, मतलब एक तरीके से पहले होंगे, कौन से, ऋषभ देव क्या थे, इसके फाउंडर थे ऋषभ देव, और क्या थे, जैन धर्म के पहले तीर्थक है, ठीक है। दूसरे क्या थे, अजीत नाथ क्या थे, दूसरे जैन धर्म के दूसरे क्या थे, अजीत नाथ क्या थे, तीर्थक है। फिर क्या थे, संभवनाथ, संभवनाथ क्या थे, दूर से तीर्थक थे। अभिनंदन स्वामी, अभिनंदन स्वामी इसके क्या थे, चौथे। पांचवें कौन थे इसके, पांचवें थे सुमत, सुमति नाथ, ठीक है, क्या थे, पांचवें थे। छठवें कौन से थे, पद्म प्रभु इसके छठ में थे। सातवें कौन थे, सुपार्श्व नाथ, ठीक है, इसके कौन से थे, सात में थे। आठवें कौन थे इसके, चंद्र प्रभु। नौवें कौन से थे, सु विधि नाथ, कहते नौ में तीर्थक थे, सुप्रभु नाथ, ठीक है, शीतल नाथ, शीतल नाथ ये कौन से थे, दस में थे, ठीक है। श्रृंग नाथ ये कौन से, ग्यारह में थे, इसके सिंह नाथ कौन से थे, ग्यारह में थे। बसु पूज्य नाथ, बसु पूज्य नाथ इसके क्या थे, बारह में थे। तेरह में कौन से थे, विमल नाथ, विमल नाथ इसके कौन से थे, तेरह में तीर्थक थे, ठीक है। चौदह में कौन से थे, अनंत नाथ कौन से, चौदह में इसके तीर्थ थे। पंद्रह में धर्म नाथ,
धर्मनाथ इसके 15वें तीर्थक थे, ठीक है। और 16वें कहते हैं शांतिनाथ, ठीक है। 17वें कौन से थे, कुंथुनाथ, क्या थे 17वें इसके, वो थे तीर्थ, ठीक है। 18वें कौन थे, अरनाथ, ठीक है। इसके कौन से थे, अरनाथ 18वें, मल्ला नाथ इसके 19वें थे, मल्ला नाथ उसके 19वें थे, मुनि सु इक्कीसवें कौन से थे इसके, नेमी नाथ 22वें थे, अरी स्टे नेमी, अरिष्टेनेमी 23 में कौन से थे, पार्श्वनाथ, ठीक है। इन्होंने बताया था कि जो चार व्रत बताए थे वो पार्श्वनाथ ने बताए थे। लास्ट में कौन से थे, महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी थे लास्ट में, इसके तीर्थ थे, ठीक है। इनमें क्या था, जैन धर्म के जो 24 तीर्थ हैं ये रहे, ठीक है। जैन धर्म के बारे में कोई इतना नहीं बताएगा, ठीक है। जैन धर्म के बारे में इतना कोई नहीं बताएगा, ठीक है। कोई भी क्लास छान लेना, जैन धर्म के बारे में इतना कोई नहीं बताएगा। जैन धर्म के बारे में निम्न चीज़ें और कही गई हैं, ठीक है। जैन धर्म के पांच श्रेणियां थी, जैन सिद्धांतों की पांच श्रेणियां, ठीक है। नंबर एक तीर्थ कर, ठीक है। नंबर दो क्या थी, जैन धर्म की पांच श्रेणियां, ठीक है। तीर्थ कर अहिर्त, तीसरा था आचार्य, चौथा है उपाध्याय, पांचवा है साधु, ठीक है। ये चार पांच चीज़ों के बारे में बताया गया है, ठीक है। जैन धर्म की पांच श्रेणियों के बारे में बताया गया है। तीर्थक, जिसको मोक्ष की प्राप्त हो किया हो, जिसने मोक्ष प्राप्त किया हो, ठीक है। जिसने मोक्ष प्राप्त किया हो, ठीक है। जो निवारण प्राप्ति की ओर अग्रसर, जो किसके निवारण प्राप्ति की ओर अग्रसर, मतलब आगे, इसमें पांच श्रेणियां है। आचार्य, जो जैन भिक्षु का मुख हो, ठीक है। ये पांच श्रेणियों से होकर जाते हो। उपाध्याय, जैन शिक्षक, ठीक है। साधु, सभी जैन भिक्षु, मतलब जैन धर्म पहले क्या, साधु होते, फिर उपादक होते, फिर आचार्य, फिर अहित होते, फिर तीर्थक बनते हैं, ठीक है। जिसको मोक्ष की प्राप्त किया हो वो क्या बनते हैं, तीर्थक बनते हैं, ठीक है। वो क्या बनते हैं, तीर्थक बनते हैं। इन पांच श्रेणियों से होकर जैन धर्म के बारे में बनते हैं, ठीक है। जैन धर्म के गुरु एक तरीके से तीर्थक बनते हैं। अभी तक कैसे 24 लोग ही इन श्रेणियों को पार कर सके हैं, ठीक है। जैन धर्म दो संप्रदाय में बट गया, ठीक है। ये सब लोगों को पता है, ठीक है। जैन धर्म दो संप्रदाय में बट गया, एक श्वेतांबर और दूसरा कौन सा, दिगंबर। ये ऐसे बटे कि जब क्या हुआ था, एक राज्य में क्या हुआ था, एक राजा के यहाँ क्या हुआ था, एक सूखा पड़ा था, एक राज्य में सूखा पड़ा था, जहाँ पे कौन से बद्रबाहु,
भद्रवाहु प्लस स्थूल भद्र, ठीक है, ये लोग क्या थे, रुके हुए थे, तो क्या होगा, इन लोगों ने क्या किया, उस राज्य में सूखा पड़ा जी जहाँ पे रुके हुए थे, जैन धर्म के लोग रुके हुए थे तो वहाँ पे सूखा पड़ा, तो इन्होंने क्या किया, दिग्वांबर भद्रबाहु और उनके शिष्यों ने कि उस उन्होंने उस राज्य को छोड़ दिया और स्थूल भद्र वहीं पर रुके रहे, ठीक है। और जब ये सूखा खत्म हो गया, दो तीन एक दो साल बाद, पाँच साल सूखा पड़ा, तो फिर इन्होंने उस राज्य को छोड़ दिया, दूसरे दूसरी जगह चले गए, स्थूल भद्र उनके शिष्य वहीं रुके रहे। तो भद्रबाहु ने क्या किया कि जब सूखा खत्म होने के बाद जी लौटे, तो स्थूल भद्र और उनके शिष्यों ने इन लोगों को धिक्कारा कि मतलब आप लोग एक तरीके से आप मतलब गुरु कहलाने के लायक नहीं हो, क्यों, क्योंकि आपने किसी राज्य में किसी को कष्ट में देखते हुए आपने उस चीज़ को छोड़ दिया, ठीक है, उन चीज़ों को छोड़ दिया, मतलब उन लोगों को छोड़ दिया, ठीक है, उन लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये लोग इन लोगों को एक तरीके से धतकारा, तो इन्होंने अपना अलग ही जैन धर्म में अलग ही दो हिस्सों में बांट लिया, इन्होंने इनके श्वेतांबर, क्योंकि ये श्वेत वस्त्र धारी होते हैं और दिग्वांबर जी बिना वस्त्र के होते हैं, ठीक है, इन्होंने अपने अपने अलग अलग से बांट लिए, इन दोनों ने अपने पूरी तरह से एक दूसरे को अलग, एक दूसरे के पूर्व कर दिया, ठीक है, और इन्होंने अपने बारे में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें को अपने आप एक दूसरे से पलट के मतलब बांट लिया आपस में, ठीक है, दोनों ने, और एक ने अपना श्वेतांबर बना लिया, इनके स्थूल भद्र के शिष्यों ने मिलकर श्वेतांबर बना लिया और भद्रबाहु के शिष्यों ने मिलकर क्या बना लिया, अपना दिगांबर, एक तरीके से जैन धर्म में दो हिस्सों को बांट दिया, ठीक है, और अपना अपना चलाने लगे, ठीक है। इनकी प्रथम जैन संगीति कब हुई थी, जैन धर्म में प्रथम जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति, ठीक है, प्रथम जैन संगीति कब हुई थी, और द्वितीय, इसमें दो संग, द्वितीय जैन संगीति, ठीक है, द्वितीय जैन संगीति और प्रथम जैन संगीति कब हुई थी, इसका समय था 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी, 300 ईसा पूर्व में पाटली, 300 ईसा पूर्व में पाटली पुत्र में हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे कौन थे, स्थूल भद्र इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है, और इसके शासक कौन से शासक थे इसके उस टाइम, चंद्रगुप्त मौर्य, क्या थे इसके शासक थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे, और इसमें कार्य, ठीक है, उस टाइम इसका क्या था, शासक थे, इनका समय क्या था, द्वितीय सुगा, इनका था 512 ईसा पूर्व, स्थल था भल्लवी, स्थल था भल्लवी, और अध्यक्ष कौन थे इसके, अध्यक्ष थे इसके इसके बाद हम क्या करें, जैन धर्म का ये टॉपिक अपना आज कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन लोग जैन धर्म के बाद, जैन धर्म का ये टॉपिक खत्म हो गया, अपन पढ़ेंगे इसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, जो भी इनके बारे में दिया गया है पूरा सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में कम से कम एक घंटे की क्लास है, पूरे बौद्ध धर्म के बारे में अपन लोग एक घंटे की क्लास में पढ़ेंगे, और जो लोग फ्रेंड्स रह गए हैं उन लोगों को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी रह गए हों मतलब दोस्त, और जो लोगों को लूसेंट पढ़ना हो आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए और लाइक बढ़ाइए, आप लोगों को लाइव क्लास होगी, इससे बढ़िया क्लासेस होगी, ठीक है, वो भी मगर आप लोगों के करना, तो पहले आपको सब्सक्राइब और लाइक बढ़ाने पड़ेंगे, इसलिए तभी होगा ये। थैंक्स फ्रेंड, कल मिलते हैं।